वजीर आजम कौन बनेगा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो? मैदान सज गया, फैसले की घड़ी आ गई। पाकिस्तान में 6 साल बाद अवाम आज अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट कास्ट करेंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि आम इंतखाबात में अगर सादा अक्सरियत मिलती है तो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियों से दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा हो गया था, लेकिन 3 साल कबल बाद ऐसे फैसले हुए जिससे दहशतगर्दों को सर उठाने का दोबारा मौका मिला। पीटीआई के अहम रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्तफा होने का कोई फैसला नहीं हुआ। और गजा जाने वाले इंसानी इमदाद के ट्रकों पर इंतहा पसंद इसराइलियों ने हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने करम अबू सालम बॉर्डर क्रॉसिंग ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से इंसानी इमदाद गजा में दाखिल नहीं हो सकी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के खिलाफ इसराइली फौजियों और इसराइली आबादकारियों की जारहियत जारी है।